कैसे आप? खतरनाक पाजी। हाँ जी, बताओ आज हमारी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए कौन आ रहा है? तेरी खुशी बता रही है, पक्का लड़की है। यार चलिए, खैर मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता, आपको बता देता हूँ कोई भी आने वाला, लेकिन तुम लोगों की आज मेहनत की कमाई होने वाली है यहाँ पे। बड़ा हमारे चुटलों भी टोई पड़ंग कर कर ना बड़ा पैसा कमा लिया तुम लोगों ने। आज पता चलेगा जब तुम्हारी दीदी चेक करेगी ना तुम्हारा सुर, तब पता चलेगा सही बजाते रहे इतने हफ्तों से मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। एक सेकंड चेक करते हैं अभी। गिव मी ए वन सुर। वो सब्ज परी हुस्ने बेदाग है, वो आवाज की दुनिया का रोशन चिराग है, देखना आज महफिल में आग लगेगी, क्योंकि सुना है सुनिधि के जिगर में पड़ी आग है। ओह क्या बात है, थैंक यू सो मच। बीड़ी जलाई ले है? हाँ आग जल रही है, चाहे चाय बनाओ कुछ करो, है क्या फर्क पड़ता है। खैर सुनिधि, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों का आपसे इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, बिकॉज क्या होता है ना कि ये आपके तो बड़े फैन है, बिकॉज म्यूजिशियंस है सब, तो इनके लिए आपसे बड़ा गिफ्ट कोई हो नहीं सकता। क्या होता है, कोई भी सेलिब्रिटी आता है ना, इधर से आता है इधर से निकल जाता है, तो ये फोटो खिंचवाने के चक्कर में रह जाते हैं, तो जाते हुए इनके साथ फोटो खिंचवा के जानी है। दो दो। हाँ दो दो फोटो खिंचवानी है, और जो ड्रम वाला उसके साथ तो आपको वैसे भी तीन खिंचानी पड़ेंगी, एक में आएगा नहीं पूरा। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे हिंदुस्तान में से चुनिंदा म्यूजिशियंस है मेरे शो में। ये जो कीबोर्ड पे है मिस्टर राहुल। हाय राहुल। ये कोई आम कीबोर्ड वादक नहीं है, मतलब ये भी आपकी तरह वर्सटाइल है, ये कीबोर्ड बजाने के साथ साथ हमारे स्टूडियो के गेटकीपर भी हैं। और ये जो हमारे गिटार वाले मिस्टर दिनेश, यू वॉन्ट बिलीव, लता जी के साथ इन्होंने 10 साल तक मतलब जाते रहे, उन्होंने टाइम नहीं दिया मिलने का। मतलब कोई मामूली कलाकार नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी हस्ती जैसे किशोर दा, रफी साहब, उन सबसे बेइज्जती कराने के बाद हमारे शो में आए, इनके लिए जोर से। सुनिधि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपका बचपन से फैन हूं। मतलब इन्होंने तो बचपन में गाना शुरू कर दिया ना बाजी, देखिए मतलब जब आप बचपन से जब आपने गाना शुरू किया था, इनका नाम ये बेबी निधि के नाम से, जितने भी लोग इनको जानते थे, am I right? जी, तो बेबी निधि से आप सुनिधि चौहान बन गई। हाउ यू टर्न फ्रॉम बेबी टू बेब्स? जब आप मुझे, मैं जब बेबी निधि थी, आप जब मुझे देख रहे थे, आप शायद पैदा हो गए थे? नहीं नहीं, मेरी मम्मी लानत डालती थी हम पे, वो देखो छोटी सी बच्ची, इतने बाल कितना अच्छा गा रही, तुम लोग मरे रोटियां तोड़ रहे घर पे। तो आपकी वजह से हमें कभी कभार बेइज्जती भी थोड़ी होती थी, बट इट्स ओके, माँ बाप है, उन्होंने पैदा किया, उन्हीं की मेहनत है। तो मैं बेबी निधि के नाम से, मैं छोटी थी, मेरे पापा मेरे साथ हमेशा ट्रैवल करते थे और शोज हम करते थे, फिर धीरे धीरे मैंने सोचा अब मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे पार्लर जाना चाहिए, लिपस्टिक पाउडर लगा के थोड़ा बड़े लड़कियों जैसा बिहेव करना चाहिए, फिर मैं बेबी से बेब्स हो गई। ओके, इसके बाद ये क्या है? कौन आए तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसे बात करके मेकअप तो उसके भी ये सुर देने के अलावा बाकी सारा म्यूजिक देते हैं। सुनिधि के लिए एक बार जोरदार तालियां। सुनिधि आज आप हमारे परिवार में आएंगे, आप प्लीज विराजिए अपनी जगह पे। सुनिधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस घर में। सो जी तू इसीलिए अभी तक नौकर का नौकर, तेरे को अकल नहीं आएगी, मेहमान आए कब चाय लेके आ गया, उनके लिए कौन लाएगा? बदतमीज आदमी। दूध उतना ही था। साहब जी आप हो एक्टर लोग, आप तो एक्टिंग कर लोगे खाली कप में चाय पीने की। तो ये इनका क्या करना है? खाली था। एक मिनट रुक जाओ। सुनिधि जी आप बताइए आप चाय लेंगी? मिल सकती है तो आधा कप। अब बताओ क्या कहना है, हाँ बोल दी इन्होंने तो। घर में दूध ही नहीं है। इतनी बड़ी स्टार है तुम्हारी चाय की भूखी नहीं हो? भूखे नंगे आदमी, क्या मेरी भुआ की मैक्सी काट के आगे से टांग के घूम रहा उसको? से इतनी बड़ी स्टार तेरी चाय की भूखी हो? भुआ की मैक्सी।
बेवकूफ आदमी, चाहे तो हम लोग दो मिनट में बना लें, दूध भी तो होना चाहिए। इनकी वजह से काम खराब हुआ है, दूध नहीं तो घर में कभी एक बूंद आज तक कमी नहीं हुई। अब तो बाहर जाते ना हम लोग भैंसे देखती हैं, ये कौन आ रहा है, शर्मा आ रहा है। कसम से दूध तेरे मुकर जाती है, कहती सॉरी अब मैंने वो सब छोड़ दिया है, नाउ आई एम ऑन डाइटिंग, ये सब होती है बातें फ्री फंड में। और सुनिधि ये आपके लिए अच्छी बात है, पता क्यों, एज ए सिंगर आप अगर चाय पियोगे, चाय पीनी नहीं चाहिए पाजी, आपको पता है एसिडिटी का घर है। मोहम्मद अजीज साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, उनको मैं हमेशा रोता था चाय मत पिया करो, चाय मत पिया करो, हटते ही नहीं हो, फिर चलते शो में डकार मारते थे एसिडिटी की वजह से। खुश रहे तू के हम तो खैर ये सब बातें होती रहेंगी। सुनिधि 13 साल की उम्र में आपने हमारे देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो उस समय में जीता, विनर बनी, उसके बाद में फिल्मों में जितने भी गाने गाए सबके सब सुपरहिट गाने, सो इतनी बेहतरीन सिंगर है सुनिधि। तो सुनिधि इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लिया, तो ऐसा कभी फील किया था कि सडनली कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिलेगा? सच बताऊं आपको, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था और आज मैं इतनी बट मुझे आज इतनी खुशी है कि मैं आज इस शो में। आप सच में खुश हैं? आप तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मेहरबान साहबान खलदान शुरू होने जा रहा है आज की शाम का रंगारंग प्रोग्राम, जोरदार तालियां। हेलो, क्या गुस्सा है भाई साहब, रंगारंग शर्ट पहन के आप क्या रंगारंग प्रोग्राम कर दोगे, तो दफा हो जाए यहाँ से। देखिए सुनिए 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 कैसे गुस्सा है, मतलब पंची नदिया विक्की चड्डा और पवन के चौके कोई सरहद नहीं रोके। जी हाँ देखिए मैं हूं टू स्टार ऑर्केस्ट्रा की पेशकश अजीम हुसैन शंस का विक्की चड्डा। विक्की चड्डा यहां से निकल जाओ बाहर, मैं बता रहा हूं आपको, ये तो ऐसी जगह डंडा मारूंगा ना चड्डे का, तो पता नहीं चड्डी तार तार हो जाएगी अंदर को पहनने के लिए। यहां से एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ दी है, पहले आपको किसने बताया मैंने चड्डा पहना हुआ है? और दूसरी बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये आप हमारी जो बेइज्जती कर रहे हैं, इतना समय सुहाना है, ये इतना मौसम अच्छा है यहाँ पे, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, यहाँ पे शेर सुनाना बनता है, क्यों जी? क्या बात, खड़काओ खड़काओ, शाम है जमा जमा, हाँ शाम है जमा जमा, वाह वाह, दिल है रवा रवा, वाह। एक बार फिर से मुकर्रर, शाम है जमा जमा, नहीं नहीं हो गया आगे से कंटिन्यू करो। आप सोचेंगे कि टू स्टार ऑर्केस्ट्रा की डांसर पिंकी है कहां कहां, हर तरफ, आपकी पुरजोर फरमाइश पे हाजिर आ रही है यमुना पार के दिलों की धड़कन, जी हाँ झील की रानी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए पिंकी पिंकी पिंकी। एक्सक्यूज मी, आपने पेटीकोट सीधा पहना कि उल्टा पहना है? विक्की सर, आपने पहचाना ये कौन है? कौन? मैं आपको हिंट देती हूँ, अभी एक रियलिटी शो आया था, ये उसमें जज थी। जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, जोरदार ताली हमारी है फराह खान के लिए। रॉन्ग नंबर लगा रही है। इतनी बार आप सिखाए विक्की सर, 20 रुपए का चश्मा मत खरीदा कीजिए। और चश्मे की प्रॉब्लम नहीं, तार की प्रॉब्लम थी, लगी नहीं थी। अब हुआ कनेक्शन। सुनिधि चौहान, भाई साहब
सुनिधि एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे कोई बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड आदमी हो, चाहे कोई निहायत ही बदतमीज, फैन आपके सारे हो, ये तो आपका भक्त लग रहा है, कैसे चरणों में गिरा हुआ है। You like? सही है। मैं भगत नहीं हूं। अगले क्या सुनिधि जी, अगले संडे को मैंने आपके नाम का प्रोग्राम बुक कर रखा है, आप प्लीज मना मत करिएगा वरना हमारी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपको बैठने किसने दिया पहले बताइए? इतने आराम से तो इतना कंफर्टेबल हो गए, आज तक कभी कुमार शानू नहीं बैठे उनके साथ, करने क्या आए यार तुम, बता बता क्यों रहे? बताया ना प्रोग्राम बुक किया हुआ है इनका, तो आप मना मत करिएगा प्लीज, प्रोग्राम है हमारा अगले संडे को। हां बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बहुत मतलब ये बताएंगे घटोत्कच, आइए घटोत्कच। आपको पर्पलगंज तो पता है ना, वहां पे वो जो गुलमोर सोसाइटी है वहां उसका एनुअल फंक्शन है, और नई नई करके भी 20,000 रुपए का बजट है हमारे शो का। एक्सक्यूज मी, आर यू मैड? सुनिधि 20,000 में शो करेंगी? ओ पूरे बात तो सुने, आप तो आ जाओ। एक्सक्यूज मी, कहां ले जाते हैं आप? अरे आप पूरी बात तो सुने, 20,000 पूरे शो का बजट है, इनका बजट तो 8,000 रुपए है ना। क्या? मैं 8,000 में शो करूंगी। अरे आप 8,000 में शो करेंगे? कैसे बात कर रहे हैं आप? बल खुशकिस्मती आपकी, देखिए और साथ में पता है आपको क्या मिलेगा? कन्वेंस और खाना, पनीर की सब्जी और नॉनवेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोनू निगम को भी सेम पेमेंट मिल रही है, 8,000 रुपए। सोनू निगम उतने में मान गए? अरे मानेंगे क्यों नहीं, बस एक बार विक्की सर का फोन उठा ले। नहीं, ये सब फिल्मों के गाने गाते क्या करेंगे आप? एक काम कीजिए ना, हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, हमारे शोज में गाने गाइए, 30,000 30,000 महीने का लीजिए, ऐश कीजिए। भगवान ने मौका दिया, आज दरवाजा खटखटा के खुद आए हैं आप, उसको स्वीकार कर लो। इतनी है आप मान जाइए ना प्लीज, भगवान ने खुद अपना बेबी एलिफेंट भेजा है आप। नहीं मैं मेरी लाइफ जी सकती हैं आप? आइए, पहाड़गंज की लोकल शकीरा है, आपको पता नहीं है? देखिए आप में ऐसा क्या है जो सुनिधि आपके साथ प्रोग्राम करे पहले मुझे बताइए। एक मिनट लगता है आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा। विक्की सर यकीन दिलाना होगा, आप चलिए अनाउंसमेंट कीजिए विक्की सर। दांत खास खुजली के लिए दोस्तों संपर्क करें सार्थक दवाखाना, जी हां, H22 रामनगर कॉलोनी कृष्णनगर यमुना पार। ये वाला अनाउंसमेंट नहीं विक्की सर, विक्की सर मेरा और सुनिधि का आइटम वाला अनाउंसमेंट। ओके जी दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि अब इस पंडाल में होने वाली है बहुत ही जबरदस्त जुलबंदी। हसन जी हाँ, मैं राजा लाइट एंड साउंड सॉल्यूशन गुजारिश करता हूँ चित्रार की आडम में बच्चों को थोड़ा बाहर पे बैठा दें, क्योंकि एक तरफ है बॉलीवुड की सबसे टॉप की बंदी और दूसरी तरफ थोड़ी सी दिखने में गंदी। किसकी चल रही है मंदी? Well, so sad, लाफ्टर के लिए बोलना पड़ता है, दिखने में बहुत ही ज्यादा गंदी। कितना हंस रहे सारे, भैंस जैसी गंदी, गंदी, लेकिन डांसर बहुत ही चंगी। जा, स्टार्टिंग 1-2 1-2 जुगल बंदे। चलिए जुगल बंदे में पहुंचते हैं, सुनिधि चौहान गाएंगे और हमारे पिंकी डांस करेंगे। 1-2 1-2 शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। पिंकी के डांस से खुश होकर दूल्हे के जीजाज दे रहे हैं 100 रुपए और सिद्धू साहब दे रहे हैं 200 रुपए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, आप तो अभी शो की बुकिंग की बात कर रहे हैं। वो तो एक्चुअली ऐसे हमारा चालू पड़ा था, हमको शो बुक नहीं करना था, तो क्या था ऑडियंस से हमने कहा था कि सुनिधि अगर गाना गाएंगी तो पिंकी का डांस करने का सपना था सुनिधि की प्लेबैक पे, वो आज पूरा हो गया। पिंकी खुश? Very happy. Your dream fulfill? Fulfill. अभी आप निकलेंगे यहाँ से फिर? आओ क्यों? क्या करेंगे आप? आप दोनों को देखकर मुझे एक्चुअली
उन दो लोगों को मैं बहुत याद कर रही हूँ जो मेरे फेवरेट हैं। कौन कौन? पलक और गुत्थी, पता नहीं कहाँ हैं आजकल। चलिए आप जा रहे हैं तो मैं एक बार फिर अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं जानता नहीं कौन है ये लोग ऐसे, पलक और गुत्थी नहीं जानते आप? मैं बताती हूँ, देखिए पलक, गुत्थी, गुत्थी, सुनिधि, सुनिधि, पिंकी, 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 कपिल, कपिल, चड्डा, चड्डा, सिद्धू जी, सिद्धू जी, ऑडियंस, ऑडियंस, कैमरा, कैमरा, लेंस, लेंस, सुनिधि, सुनिधि, तो अभी आप निकलिए, हमारी इंटरव्यू चली चलिए यहाँ से, आप आइए। सुना दे। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए। लेडीज को हाथ नहीं लगा। एक मोबाइल बाहर पड़ा हुआ है, मिला है, उसका मॉडल नंबर बता के ले जाइए प्लीज।